नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है ना, मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घटती हैं ना, उनसे आपकी परीक्षाओं में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन पर हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी। और पिछली क्लास में हम लोगों ने जनवरी 2022 की जो भी घटनाएँ रही हैं उन पर बात की हुई थी। आज हम लोग फरवरी 2022 में मध्य प्रदेश में जो भी घटनाएं घटी हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन पर एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं उनसे, और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, उन पर बात कर लेते हैं। और एक क्लास याद रखिएगा, सभी एग्जाम, चाहे वो MPPSC हो, MPSI हो, MP पुलिस हो, जेल पहरी हो, या व्यापम आप देखते हैं, तमाम एग्जाम करवाता रहता है, तो सबके लिए आपका महत्वपूर्ण रहेगा। और एक बात बता देता हूँ, अगर आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे, तो आप लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में मालूम चलेगा कि आपकी परीक्षाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण रहता है। और इसके लिए आपकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है MP करंट अफेयर्स के नाम से। इसमें आपको 2021 का भी करंट अफेयर्स सभी महीने 12 महीने का मिल जाएगा, और 2022 का भी आपको मिल जाएगा, और आने वाले समय का भी इसी में आपको करंट अफेयर्स की घटनाएँ मिलती रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले फरवरी महीने की पहली घटना आपके बारे में बात करते हैं, पक्षी जनगणना। और आप देखते हैं कि जो जातिगत जनगणना की बात होती रहती है ना, तो कई लोग यही तो कहते हैं कि जब पक्षियों की जनगणना हो सकती है तो जनजाति यानी कि जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। और वैसे आप देखते हैं कि हमारे भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। अभी 2011 के आंकड़े ही हम लोग देख रहे हैं, 2021 के आंकड़े अभी आए नहीं है। आपने देखा है कोरोना महामारी के कारण हो भी नहीं पाई है, तो जब वो 2021 के आंकड़े आएंगे तो उससे भी आप लोग वही आप लोगों की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण भारत का पहला ऐसा अभ्यारण बन गया है। कौन सा? रातापानी, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण। और आपको बता दूं ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा वन्यजीव अभ्यारण। ये आप देखेंगे कि भारत का ऐसा पहला अभ्यारण्य बन गया जहां बाघ, तेंदुए, तितलियों के साथ साथ पक्षियों की भी जनगणना की गई है। इस जनगणना में लगभग 3,000 पक्षियों की गणना की गई है। इस कार्य हेतु 30 टीमों के दल को 36 कैंपों में रखा गया है। और याद रखिए, रातापानी रायसेन जिले में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। कहाँ है? रायसेन में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और रातापानी को यहाँ चलाए जा रहे प्रोजेक्ट टाइगर के लिए भी जाना जाता है। क्या? प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा एक सामान्य जानकारी के लिए। देखिए, बेरोजगारी तो आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में बनी हुई है और दुनिया भर में बनी हुई है। कोरोना महामारी ने बहुत सारे लोगों की नौकरी छीन ली, तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी और इस तरह के क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। बेरोजगारी आपको बता दूं, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट में के अनुसार भारत में स्नातकों के मध्य सबसे कम बेरोजगारी दर वाला जिला मध्य प्रदेश, मतलब राज्य मध्य प्रदेश है। फिर से सुन लीजिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात माने तो भारत में स्नातकों के मध्य सबसे कम बेरोजगारी दर वाला मध्य प्रदेश ही है। क्या है? मध्य प्रदेश है। और जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया है ना, एक गैर सरकारी संगठन है, NGO है। बड़े राज्यों में संदर्भ में मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है। और इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में स्नातकों की मध्य बेरोजगारी दर सर्वाधिक है। किसमें? राजस्थान में। और राजस्थान आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भी है। एक नाम काफ़ी चर्चा में है, डॉक्टर DK शर्मा। ये कौन है, क्यों चर्चा में है, इनके बारे में भी जान लीजिए, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। हाल ही में डॉक्टर शर्मा को डॉक्टर BR अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। किसका? डॉक्टर BR अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। और ये यूनिवर्सिटी आपको इंदौर में देखने को मिलेगी। कौन सी? डॉक्टर BR अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में। कहाँ? इंदौर में। और याद रहे, अब से विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर को कुल गुरु कहा जाएगा, एक तरह से आप देखिए पुरानी संस्कृति के हिसाब से। महान समाज सुधारक बाबा साहब अंबेडकर की जन्म भूमि है महू।
ये भी याद रखिएगा, महू एक सैन्य मुख्यालय भी है। क्या? महू एक सैन्य मुख्यालय भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक नाम और चर्चा में है, वर्षा, वर्षा सरसिया, ये कौन है? ये आप देखिए, हाल ही में वर्षा सरसिया ने अपने द्वारा बनाई गई रंगोली के माध्यम से सबका ध्यान आकर्षित किया है, और इन्होंने लगभग 4,500 वर्ग फीट की रंगोली का निर्माण किया है, और इस रंगोली में इन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भव्य चित्र का अनावरण भी किया है। उनके इस कृत्य के लिए उनका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है। वर्षा राष्ट्रीय सौर सम्मान पदक विजेता भी हैं। तो वर्षा सरसिया, ठीक है, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। अब देखिए, शहरों के नाम परिवर्तन की बातें होती रहती हैं और चलते रहते हैं। क्या शहरों के नाम परिवर्तन? और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, बाकी राज्यों में भी हो रहा है। अब आप देखिए, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो भी परिवर्तन करेगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के उस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है जिसमें उसने राज्य की 3 शहरों के नाम परिवर्तन करने का निवेदन किया था। इसमें आप देखेंगे, होशंगाबाद का नया नाम क्या होगा? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम किसका? होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम। बाबई को अब माखन नगर के नाम से जानेंगे। बाबई जिसे आप लोग कहते थे ना, उसे अब माखन नगर के नाम से आप लोग जानेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो शिवपुरी है ना, शिवपुरी को कुंडेश्वर के नाम से जानेंगे। क्या? कुंडेश्वर, कुंडलेश्वर, कुंडलेश्वर के नाम से जानेंगे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये नाम बदलने की परंपरा होती रहती है। और होशंगाबाद को अपने पचमढ़ी हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है, जो एक विविध जैव आधारित आरक्षित मंडल है। बाबई महान कवि, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि है। कौन? बाबई, जिसे आप लोग माखन नगर के नाम से आप जाएंगे। शिवपुरी अपने कुंड देव नामक शिव मंदिर के लिए विख्यात है। किसके लिए? कुंड देव नामक शिव मंदिर के लिए। तो इस पर भी याद रखिएगा। अगली खबर है आपकी मध्य प्रदेश राज्य की शूटिंग अकादमी से संबंधित। इसके से जुड़ी हुई क्या खबर है? आप देखेंगे, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के भोपाल में एक विश्व स्तरीय इंडोर शूटिंग रेंज स्थापित करने की घोषणा की है भोपाल में। और आप देखेंगे, यह आने वाले समय में शूटिंग विश्व कप के आयोजन के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। और याद रहे कि मध्य प्रदेश के खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी हैं, और खेल मंत्रालय ने राज्य में टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाने का भी निर्णय लिया है, जिससे माध्यम से ऐश्वर्य प्रताप सिंह जैसे युवा टैलेंट का खोजे और निखारे जाएंगे मध्य प्रदेश से, ठीक है। और कौन खेल मंत्री हैं आपकी? यशोधरा राजे सिंधिया। तो ये भी याद रखिएगा। फिर आप देखें, मध्य प्रदेश राम वन गमन पथ पुनर्लोकन। कौन सा? राम वन गमन पथ पथ पुनरावलोकन, ये क्या है? आप देखेंगे कि इस पुस्तक की रचना डॉक्टर राम गोपाल सोनी द्वारा की गई है। इसके लेखक कौन है? राम गोपाल गोपाल सोनी, ठीक है। तो ये पुस्तक है क्या? राम वन गमन पथ पुनरावलोकन। इस पुस्तक की रचना किसने की है? डॉक्टर राम गोपाल सोनी द्वारा की गई है। यह पुस्तक 11 भागों में विभाजित है। इसमें राम के वनवास काल का उल्लेख मिलता है। इस किताब का विमोचन राज्य के मुख्यमंत्री चौहान साहब ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने किया है। इस पुस्तक के उल्लेखों का मूल आधार वाल्मीकि कृत रामायण है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगली खबर है हिंदी माध्यम चिकित्सा शिक्षा। हिंदी माध्यम क्या है? हिंदी माध्यम माध्यम चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा। आप देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य चिकित्सा शिक्षा को हिंदी माध्यम में भी संचालित करने का निर्णय लिया है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य होगा देश का। इसकी शुरुआत गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से की जाएगी, और मध्य प्रदेश में कुल 13 चिकित्सीय महाविद्यालय हैं। तो याद रखिए, इसकी शुरुआत गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से की जाएगी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। राज्य स्तरीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता हुई है। क्या? राज्य स्तरीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता,
इसमें क्या हुआ है, आप देखेंगे कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें फोटोग्राफी की 5 विधाओं, वन्य जीवन, नेचुरल एडवेंचर, हेरिटेज, संस्कृति एवं धर्म को स्थान दिया गया है। और संस्कृति के क्षेत्र में इंदौर की रंग पंचमी और गैर को आप देखेंगे प्रथम स्थान मिला है। हेरिटेज के क्षेत्र में ग्वालियर के किले को प्रथम स्थान मिला है और नेचुरल एडवेंचर में भोपाल को प्रथम स्थान मिला है। धर्म विद्या में उज्जैन को मिला है पुरस्कार। और वन्य जीवों की श्रेणी में कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यानों को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया। फिर से सुन लीजिए, आप देखेंगे संस्कृति क्षेत्र में इंदौर की रंग पंचमी और गैर को आप देखेंगे प्रथम स्थान मिला है। हेरिटेज के क्षेत्र को ग्वालियर के किले को प्रथम स्थान मिला है। नेचुरल एडवेंचर में भोपाल को प्रथम पुरस्कार मिला है। धर्म विद्या में उज्जैन को मिला है। और वन्य जीव की श्रेणी में कान्हा और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसे संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। बिजली भुगतान का डिजिटलीकरण भुगतान, आप सभी जानते हैं डिजिटल इंडिया की बात हो रही, यूपीआई की बात होती रहती है। हाल ही में मध्य प्रदेश क्षेत्र के विद्युत वितरण कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर बिजली बिलों के डिजिटल तरीके से भुगतान के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस कंपनी का मुख्यालय आपको जबलपुर के शक्ति नगर में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1950 में हुई थी। 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय को शक्ति भवन के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। तो ये आपकी फरवरी महीने की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी, इनके बारे में भी जान लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग मार्च महीने की जो भी घटनाएं हैं 2022 की और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।